गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। दिस इज़ द पार्ट 3। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट कैन बी डन फॉर रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। इट वॉज बींग चॉक्ड एंड फ्लम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक CNG एंड unleaded petrol. These measures have result in cleaning air for the city. You might know some other example for your area regarding reduction of air pollution. So student, यहाँ एक केस स्टडी है जो दिल्ली के बारे में बता रही है कि वहाँ वो एक पॉल्यूटेड सिटी थी, बट नाउ वहाँ पे CNG जैसे फ्यूल्स का यूज़ होने लग गया और विदाउट लेड के पेट्रोल का यूज़ होने लग गया। सो अब वहाँ की जो एयर है वो क्लीन है, राइट? सो अब रिजल्ट इसका ये रहा कि क्लीन एयर वहाँ रहने लग गई। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इन मॉनिटराइज रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी। वी कैन यूज़ द डाटा ऑफ जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर द अल्टरनेट फ्यूल्स इंस्टेड द फॉसिल फ्यूल्स। सो बेटा, यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट ये है कि अल्टरनेट फ्यूल्स के सोर्स को हमें जनरेट करना होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग। मीन्स फॉसिल फ्यूल का यूज़ हमें कम रिड्यूस करना होगा, कम यूज़ करना होगा, और दूसरे सोर्स को हमें ज़्यादा यूज़ करना होगा। दीज, जैसे आपको पता है सोलर एनर्जी, तो हम जितना ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे वो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दीज कुड बी सोलर एनर्जीज, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ एनवायरमेंट। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नेचरेट द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। Do you about when one महोत्सव, when lakh of trees are planted July every year? Okay बेटा, तो हमें इस टाइप की एक्टिविटीज़ करनी होगी जिससे हम मोर एंड मोर एनवायरमेंट के लिए वर्क कर सके और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली वर्क हो और जितने भी पॉल्यूशन हो उसका रिडक्शन हो जाए, पॉल्यूशन कम हो जाए। बुजो एंड पहली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया हुज वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राइज लीव्स। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल टू स्मोक। पहली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम अ कंपोस्ट पिट रेदर द बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक? ओके बेटा, सो बहेली और बुजो एक एरिया से जा रहे थे, वहाँ सूखी पत्तियों को कुछ लोग जला रहे थे, बर्न कर रहे थे। तो बेटा वहाँ क्या देखा, जो धुएं से उनको कफ होने लग गया, खांसी होने लग गई। सो उन्होंने ये देखा कि अगर इसको हम क्या करें, कंपोस्ट के फॉर्म में ले तो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन। इन क्लास 7 यू लर्न दैट द वाटर इज द प्रीशियस रिसोर्स। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। वी सॉ दैट वाटर इज बिकम स्केयर ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। सो बेटा, एयर जो है, एयर तो पॉल्यूशन हो रही है, वाटर भी उसके साथ क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। जो एग्रीकल्चर, जो जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, इससे जो भी वाटर निकल रहा है, केमिकल मिक्स वाटर मिल रहा है, वो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहा है, राइट? ओके, दिस मीन्स ओके, हाँ, जो मैनुअल एक्टिविटी है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग। दैट मीन्स दैट वी हैव एडिंग सम मटीरियल्स इन वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी, चेंज स्मेल एंड अकर्स ऑन स्मॉल्स कलर में चेंज। सो बेटा, वाटर के अंदर ऐसे मटेरियल मिल जाना जिससे इसमें स्मेल चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, राइट? स्मेल चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, सो इस क्वालिटी चेंज हो जाए, सो इसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवरेज, टॉक्सिक केमिकल्स एट एंड गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकम पॉल्यूटेड। द सब्सटेंस डेट पॉल्यूट वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशेंट। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं ना, उन्हें हम वाटर पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब इसमें टॉक्सिक कौन आ सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आ सकते हैं, सॉल्ट आ सकते हैं, है ना? नाउ वी डिस्कस अबाउट अ केस स्टडी, गंगा। गंगा इज मोस्ट फेमस रिवर इन इंडिया। इट्स सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द डेली नीड्स एंड लाइवहुड। ओके बेटा, हम केस स्टडी गंगा को कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले गंगा बहुत प्योर थी, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गई, फैक्ट्रीज बढ़ने लग गई, वो पॉल्यूटेड होने लग गई।
ओके वर्ल्ड वाइड WWF फंड फॉर गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन रिवर्स इन वर्ल्ड द पोल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग मैनी ईयर्स वी हैव रीच द स्टेट बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू विच द रिवर फ्लोज through large quantities of garbage, untrained sewerage and dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead. Okay, बेटा कई जगह तो इस river में पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, और कई जगह बेटा यहाँ पर different particles इसमें मिल गए हैं. आपको पता है dead bodies और जितने सीवरेज हैं और हार्मफुल थिंग्स इसमें मिल गए. सो जो ये रिवर है इतनी प्योर अब रह नहीं है. कुछ जगह ये बहुत ज़्यादा प्योर है, आपको क्लीन वाटर मिलेगा, बट जैसे ही ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह के फैक्ट्रीज़ के पास से जाती है तो वहाँ क्या है, ये पॉल्यूटेड हो गई है ना, बहुत कम इसमें पानी है, राइट. और प्योर भी है लेकिन वो बहुत कम जगह. एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च एट 1985 द एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर. However, increasing pollution and industrialization have already damaged the Mahi River biome repair. Now, the government of India launched a new initiative program, National Mission for Ganga Clean. So, बेटा पहले गंगा एक्शन प्लान बनाया गया 1985 में, उसके बावजूद इतना वर्क हुआ फिर भी गंगा क्लियर पूरी तरह नहीं हो पाई. So, 2016 में न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विच इज़ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga in Kanpur in UP has one of the most polluted stretches of river. Kanpur is the most polluted towns of UP. अब बेटा यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट, यूपी में एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है बिकॉज द रीजन ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. पीपल कैन बी बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिफेक्टिंग द defecating river. They are also garbage, flowers, idols of gods and goddess and non-biodegradable polythene bags into the river. अब आपको पता है बेटा, आपको पता है कि जो गॉड की और इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो POP की जो बनती हैं है ना, जो पॉट्स वगैरह बनते हैं या तस्वीर जो हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं, कई बार इन रिवर्स में हम क्या कर देते हैं, इनमें डाल देते हैं ना पूजा के बाद. तो बेटा इनसे भी क्या होता है कि जो केमिकल है वो हार्म कर देता है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है. एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो. एडिशन इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 5,000 इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर एंड प्लांट इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इन टू द रिवर. बेस्ड ऑन द अबाव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. वॉट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द रिवर. कौन कौन से फैक्टर है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए ना. मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इन टू रिवर स्ट्रीम्स कॉज पॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल रिफाइनरीज, पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स. तो बेटा इन सब रीजन से ये जहाँ भी जो फैक्ट्री होती है इनसे जो पॉल्यूटेड वाटर निकलता है वो रिवर को डैमेज कर देता है, मीन्स रिवर को पॉल्यूटेड कर देता है ना. नाउ वी डिस्कस अबाउट एंड क्लीन एंड केमिकल फैक्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर. दीज केमिकल रिलीज द इंक्लूडिंग आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स. दीज आर रेगुलेशंस ऑफ प्रिवेंट दिस. द इंडस्ट्रीज आर सस्पॉन्ड ऑफ द टू ट्रीट वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग. अब बेटा फैक्ट्रीज को क्या करना चाहिए कि उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसको रिवर और उधर फ्लो करना चाहिए है ना. बट ऐसा नहीं हो पाता तो पूरी रिवर को क्या कर देता है, वो पूरी रिवर को वो पॉल्यूट कर देता है. वी हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. However, all these chemical dissolve in water and the washed into the water bodies from the fields. They also slip into the ground and polluted groundwater. Have you seen ponds which look green? Okay, distance. Okay. We have learned in chapter first that the importance of pesticides and weedicides, the production of crops. However, all chemicals dissolve in water and washed into the water bodies from
फ्रॉम द फील्ड दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर लेवल। अब बेटा जो आप खेतों में जो आपके इनलैंड्स में आप फर्टिलाइजर्स डालते हो, पेस्टिसाइड्स डालते हो, वो थोड़े से लेवल के लिए तो यूजफुल है, बट वो क्या होते हैं बेटा, रेन वाटर के साथ लोग के पॉन्ड में आ जाते हैं, रिवर में आ जाते हैं और वहाँ की बायोडायवर्सिटी को लॉस कर देते हैं ना। यू हैव सीन, अब आपने देखा होगा पॉन्ड के अंदर जो हरी हरी जो एल्गी वगैरह आ जाती है, कई बार ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और फर्टिलाइज़र होते हैं तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का वर्क करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं एल्गी वगैरह, और इस रीज़न से O2 की डिक्रेसी हो जाती है और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, स्मेल वगैरह आती है ना। यू हैव सीन पॉन्ड विच लुक ग्रीन एंड डिस्टेंस बिकॉज दे आर अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग दैम, दिस कॉज बाय एक्सेसिव क्वान्टिटीज ऑफ केमिकल विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड, दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी फॉर टू फ्लोरिश द एट वंस एल्गी डाई द सर्व्स एट फूड ऑफ डिकम्पोज लाइक बैक्टीरिया, अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप, द रिजल्ट इज डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया बेटा कि जो ऑक्सीजन होती है वो उसकी डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन क्वांटिटी, सो यहाँ पे एनिमल्स की डेथ हो जाती है और फिर आपको पता है स्मेल वगैरह आती है और मोस्टली बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। फूड वेस्ट डिटर्जेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सीवरेज। अब जो सीवरेज सिस्टम होता है इससे भी क्या होता है बेटा, ये वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर कंटामिनेटेड विद सीवरेज मैनी कॉन्टेंट बैक्टीरिया वायरस फंजाई पैरासाइट्स कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा टाइफाइड जॉइंडिस, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फेजेज इन मैमल्स आर इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, सो बेटा अब आपने देखा होगा बैक्टीरिया वायरस फंजाई और प्रोटोजोवंस बहुत सारे वाटर में अगर डिजॉल्व हो गए, वाटर में हो गए, मिक्स हो गए, सो डिजीज कॉज कर देंगे, है ना बेटा। ओके, वॉट इज़ अ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ पोर्टेबल, हाउ इज वाटर प्योरीफाइड। अब देखो पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वाटर कैसे प्योरीफाई करते हैं। बूजो इज़ वेरी अपसेट टू टेल पहेली दैट ड्रिंक वाटर इज लुक क्लियर बट विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल विल सीक। अब आपको पता है वाटर आपको साफ दिख रहा है बट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आप उसको इंटेक्ट नहीं कर सकते, ले नहीं सकते ना। पहली एक्सप्लेन दैट द फ्रेश वाटर लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व बैक्टीरिया सो इसेंशियल फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग करने से पहले आपको उसको प्योर करना जरूरी है ना, कई लोग आपको पता है बॉइलिंग करके देन वाटर पीते हैं ना। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प इन द क्लीन वाटर बिफोर द डिस्चार्जिंग इन टू वाटर बॉडीज। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडी ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग हाउस होल्ड। ओके, आपको पता है जो आपके घरों में वाटर आता है उसके पहले उसका प्योरिफिकेशन होता है ना, सो और प्योर वाटर भी बहुत ज़रूरी है। यू हैव ऑलरेडी ओके यू हैव ऑलरेडी सीन द वाटर इज फिल्ट्रेट द फिजिकली मेथड रिमूविंग इम्प्योरिटीज अ प्रॉपर हाउस होल्ड फिल्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाटर को फिल्टर करके पी सकते हो ना, छान के पीते हैं ना बेटा। मैनी हाउस होल्ड इन यूजिंग एज अ मेथड ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर बॉइलिंग, बॉइल करके भी उसको बैक्टीरिया जम्स को आप मार सकते हो। क्लोरीनेशन इज अ कॉमन यूज केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर इज डन। अब आप कई जगह क्या होता है क्लोरीन जो होता है उसमें डाल देते हैं जिससे वाटर प्योर हो जाता है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको रखना है कि क्लोरीन एक्सेस में नहीं डालना है। लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लांटेड सो दैट पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट डिपोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू द रिवर्स लेक्स। अब इंडस्ट्रीज को ये बताया कि आपको डायरेक्ट वाटर को रिवर वगैरह में पॉन्ड में नहीं डालना है, पहले उसका ट्रीटमेंट करना होगा। एट अवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव द वाटर नॉट वेस्ट रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। आपको पता है बेटा रिड्यूस कम यूज़ करना, रीयूज वापस यूज़ करना, रिसाइकिल कर सकते हो। अब जैसे वेजिटेबल्स को आप क्या कर सकते हो, वॉश करने के बाद जो पानी होगा उस पानी को आप ट्रीज में दे सकते हो ना। वी कैन थिंक क्रिएटिव आइडियाज, ऐसे क्रिएटिव आइडिया फॉर एग्जाम्पल ये वही आइडिया है जो अभी हमने दिया है, क्या कर सकते हैं, वॉशिंग वेजिटेबल में यूज वाटर प्लांट्स इन गार्डन, आप गार्डन में दे सकते हैं ना। इट इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना अफेक्टिंग, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ डेली लाइफ अनलेस वी ऑल रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस वेरी सीवियर
सर्वाइवल एंड आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। ओके बेटा, अगर आपने ऐसे प्रोसेस नहीं किया तो हमारा जो अर्थ है डेंजर में आ जाएगा। आपको पता है कि जो प्योर वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती जा रही है क्योंकि वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। सो अगर अभी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इशू हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमें वाटर को कंजर्वेशन करना चाहिए ना बेटा, और एयर पॉल्यूशन को भी कम करना चाहिए। ओके, दिस इज द कंप्लीट पार्ट चैप्टर 18 है ना। ओके,